जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या लगभग 138 करोड़ है, लेकिन इनमें से कई करोड़ों लोगों के पास रहने को छत भी नहीं है। कई लोग किराए पर रहते हैं तो कई लोग झुग्गी झोंपड़ियों में। इन हालातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत गरीब से गरीब व्यक्ति को घर मुहैया करवाया जाएगा। तो आइए ले चलते हैं आपको भारत के किसी एक घर में। हम इसी आवास योजना के तहत घर दिलवाएंगे ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति बेघर ना रहे, समझे ना आप, ताकि कोई भी बेघर ना रहे। तो आइए ले चलते हैं आपको एक ऑफिस की तरफ। मैडम अंदर जाइए। मैडम आप चले जाइए। अंदर जाइए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कम इन। जी कहिए, क्या काम है आपको? देखिए मैडम, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरे पास रहने को घर भी नहीं है। अच्छा, क्या आपकी कृपा हो तो दो चार मकान हमारे लिए भी दिला दीजिए ना। कागजात लाए हैं आप? जी हाँ। Yes, ma'am. देखिए ये कागजात फर्जी तो नहीं? मैम ये कागजात फर्जी हैं। क्या कहा? ये कागजात फर्जी हैं? फिर तो हमें निरीक्षण के लिए जाना पड़ेगा। कैसी बात करते हैं मैडम, निरीक्षण के लिए जाएंगे, सरकारी तेल भी बर्बाद होगा और आपका समय भी। एक्सक्यूज मी मैम, हमें देश के बारे में सोचना है, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। जागो जगाओ देश बचाओ, जागो जगाओ देश बचाओ। मैडम जी, मैं घर बनवाने के लिए कागज लेकर आया हूँ। लाइए सर। हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है इनकी सेवा करना। एक आदमी से भी परिवर्तन लाना